अल्प वर्षा के चलते क्षेत्र के नदी नाले सूखने की कगार पर पहुंच गए थे, तो वहीं दूसरी ओर जीवनदायिनी कुंदा नदी पर बना देजला देवाड़ा जलाशय इस समय पूरी क्षमता के साथ ओवरफ्लो हो चुका है। हम आपको बता दें कि बांध 4 सितंबर को ओवरफ्लो हो गया, साथ ही इसके स्लेब से पानी बहने लगा है। अब डैम पूरी तरह भर चुका है। जल संसाधन के सब इंजीनियर बद्रीलाल रावत ने बताया कि बांध की जल संग्रहण 50.29 क्यूबिक मीटर है और यह 625 हेक्टेयर में फैला हुआ है और 335.40 वर्ग मीटर से कैचमेंट एरिया में पानी आता है। बांध का पानी 47 गांवों में करीब 9000 हेक्टेयर में किसान सिंचाई के रूप में लेते हैं। हम आपको बता दें कि गत वर्ष 22 जुलाई को बांध ओवर फ्लो हो गया था, लेकिन इस बार वनांचल में कम बारिश होने से बांध एक महीना देरी से ओवर फ्लो हुआ है। वहीं बारिश के मौसम में जलाशय को देखने दूर दूर सैलानी आते हैं और बांध के आसपास सतपुड़ा की सुंदर पहाड़ियों को निहारते हैं। बांध के स्लेब से गिरता पानी भी बांध की खूबसूरती को अधिक दर्शाता है। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से मुरझाई फसलों को राहत तो मिलेगी, वहीं डैम में पानी बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।